मेरे भीतर प्रेम हो, हम प्रेम शांति माधुर्य आनंद दुनिया में फैलाएं, सभी आनंदित जीवन जिए। शिव शब्द के 100 अक्षर में सुख शयन का समाधि सत्य है। ई में त्रिपात हारनी शक्ति है। बहुत अक्षर में अमृत वर्षा समाई है, तभी तो शिव में कल्याण की शाश्वतता और निरंतरता है। यही सत्य शिव शब्द का सम्यक अर्थ है। शिव में जीवन और जगत दोनों है। जब जीवन व जगत के प्रत्येक घटना कर्म में अपने कल्याण की शाश्वतता और निरंतरता की सतत अनुभूति होने लगे, तब समझो कि शिव तत्व की अनुभूति होने लगी। शिव में विवेक और वैराग दोनों संपूर्णता में समविष्ट है। शिव नाम स्मरण रहे तो स्वतः ही विवेक का तीसरी नेत्र खुल जाता है। साथ ही अंतः चेतना दुर्गुणों दुष्वृत्तियों से विमुख होकर वैराग की ओर अग्रसर हो जाती है। शिव ही सृजन संगार है। उनके लाश्य में सृष्टि और उसकी समस्त सकारात्मकता का सृजन है। तो उनके तांडव संपूर्ण नकारात्मक व असुरता का संहार समाहित है। शिव में शास्त्र व संस्कृति दोनों समाये हैं। शिव शिव कहते हुए, शिव का ध्यान करते हुए चित्त में उत्पन्न प्रकाश शास्त्रों का बोध पाने की एवं शास्त्र रचने की सहज सामर्थ्य प्रदान करता है। साथ ही शिव की चेतना से उत्पन्न हुए एकता समता व शुचिता के गुण मानव की सर्वोच्च संस्कृति का निर्माण करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व का इसीलिए विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर्व का महत्व सभी पुराणों में मिलता है। महाशिवरात्रि का पर्व केवल दिखावे मात्र का पर्व नहीं है, न ही यह दूसरों को देखा देखी मनाने वाला पर्व है। यह अत्यंत विशिष्ट एवं आध्यात्मिक पर्व है, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा गया है। परमेश्वर के तीन रूपों में एक रूप की उपासना महाशिवरात्रि के दिन की जाती है। मनुष्य को भगवान के तीन रूपों में से एक रूप का सरल तरीके से उपासना करने का वरदान महाशिवरात्रि रात्रि के रूप में मिला है। मानवीय अज्ञान में बुद्धिजीवी की अंतिम परिणति है। शिव शिवत्व आशिवत्व में समर्पण, उनसे साधक की यही पुकार रहती है, हे भगवान शिव, मैं कब गंगा जल से स्नान कर पवित्र जल फूलों से आपकी पूजा करता हुआ पर्वत की गुफा में शिलाखंड के आसन पर बैठकर आपके परम ब्रह्म स्वरूप ध्यान में लगूंगा। मैं भाग्यशाली हूँ, आपको सत सत नमन ओम आनंद।